चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते के साथ साथ उनकी रैलियों में बढ़ चढ़ कर हिस्से लेते हुए पवन सिंह नजर आते थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी पवन सिंह के फैंस के लिए आ रही है। जी आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ फोटोग्राफ शेयर करते हुए लिखा था कि दिल्ली आवास पे वो माननीय सांसद बीरेंद्र सिंह से मुलाकात किया है, जिसके बाद यह फोटोग्राफ इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि खबर यह आ रही है कि पवन सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है, लेकिन खबर यह आ रही है कि पवन सिंह बीजेपी की तरफ से हावड़ा कोलकाता से चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि इसके बारे में कब ऑफिशियली जानकारी मिलती है। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश यादव निरहुआ ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया है और उनका भी खबर यह भी आ रही है कि वो आजमगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और पवन सिंह मायावती जो कि कोलकाता में है और कोलकाता में मायावती के खिलाफ पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि इसके बारे में पवन सिंह या फिर बीजेपी की टीम इसके बारे में ऑफिशियली जानकारी कब देती है। जैसे इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए।